यार मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पे यार, मैं किसको चूज करूँ, फायर टाइप पोकेमोन चार्मेंडर या फिर वाटर टाइप पोकेमोन स्क्वर्टल या फिर यार ग्रास टाइप पोकेमोन बल्बसॉर। यार मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, कोई तो बताओ यार मैं क्या चूज करूँ। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पोकेमोन वाई की सीरीज को, एंड पिछली बार हम लोग थे रूट 4 पे एंड हमारा फ्रॉग इवॉल्व हो गया था फ्रॉगेडियर में, एंड अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं। एंड यार आगे देख सकते हो दो लोग हैं यहाँ पर जो कि प्रोफेसर सिकामोर का असिस्टेंट है, एंड यार ये जो है टीएम दे रहा है मुझे जो कि है रिटर्न TM27 आई थिंक ये, हाँ वही है यार TM27 रिटर्न, मुझे भी देखना है इसमें क्या होता है। वैसे तो यार मुझे नहीं पता इससे क्या होता है, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, बैग में जाता हूँ मैं इसको सिखाई देता हूँ किसी को। वेट अ मिनट, एंड ये रिटर्न रहा, मैं किसको सिखाऊँ यार, फ्लेचलिंग कैसा रहेगा, आई थिंक यही बेस्ट होगा, मैं फ्लेचलिंग को सिखा देता हूँ जल्दी से गाइज। वेट अ मिनट, मैं इसको सिखा रहा हूँ, यस मुझे इसी सिखाना है। एंड फ्लेचलिंग को ऑलरेडी 4 मूव्स आते हैं, तो एक मूव मुझे डिलीट करना होगा, एंड देखते हैं अब कौन सा मूव होगा वो, चलो देखते हैं। ओके तो यार मुझे यहाँ पे ग्राउल नहीं चाहिए, तो मैं ग्राउल हटा देता हूँ, यार मैं यूज़ भी नहीं करता ग्राउल, तो यार उससे बढ़िया तो मैं यही यूज़ करूँगा। रिटर्न बाय द वे यार दोनों नॉर्मल टाइप मूव ही है, बट यार आई थिंक ना ग्राउल से अच्छा तो रिटर्न होगा। चलो यार मैंने सिखा दिया इसको, एंड नाउ फ्लेचलिंग के पास एक नया मूव आ चुका है जो कि है रिटर्न। देन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो यहाँ से कैंसिल करता हूँ मैं, एंड नाउ लुमियोस सिटी हम लोग को जाना है। ओके तो हम लोग पहुँच चुके हैं, कहाँ पहुँचे हम लोग, वेट गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लुमियोस सिटी। ओके फाइनली हम लोग लुमियोस सिटी में आ चुके हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे जिम है या नहीं यार मुझे नहीं याद। ओके गाइस तो मैं लुमियोस सिटी में आ चुका हूँ जहाँ पे हमें मिलेंगे प्रोफेसर सिकामोर, एंड यही से यार मुझे अपना स्टार्टर भी चूज़ करना है। वैसे यार इसको स्टार्टर बोलना सही तो नहीं होगा, बट यार कांटो स्टार्टर से तो यार मैं क्या बोलूँ। वैसे तो यार मेरे स्टार्टर इस गेम का जो है वो फ्रॉकी था जो कि फ्रॉगेडियर है अभी, तो यहाँ पे वो दोनों फिर से आ चुके हैं। तो यार ये बोल रही है ना कि ये लैब का रास्ता हमें दिखाएगी, और ये बोल रहा है कि उसको फॉलो करो ताकि तुम लैब तक पहुँच पाओ, तो यार चलो इसको देखते हैं कि लैब कहाँ पे है। फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता यार, इतना बड़ा शहर है मुझे नहीं पता लैब कहाँ हो सकती है यार, इतनी सारी बिल्डिंग्स, ओ भाई ये है क्या लैब, आई थिंक हाँ यही लग रहा है लैब मुझे। ओके तो हम लोग इसके अंदर जाना है क्या, भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कितना ओपी सीन है ना बाहर से, अंदर से देखने में और अच्छा होगा। तो चलो यार वो तो चली गई, अब हम लोग भी चलते हैं साउथ बॉल व्याड। ओके यार ये कौन सा पोकेमोन है व्हाइट कलर का, गाइस ये कौन सा पोकेमोन है नीचे कमेंट्स बताओ, ये आज का पोके क्विज है। एंड यार जल्दी से आगे बढ़ते हम लोग, प्रोफेसर की लैब ये रही, हाँ यही है। ओके हम लोग अंदर जाएंगे अभी, सबसे पहले देख लेता हूँ मैं यहाँ पे प्रोफेसर की लैब, क्या ओपी है यार, दिस बिल्डिंग इज द सिकामोर पोकेमोन लैब, लेट्स गो इनसाइड, चलो अंदर चले। ओके भाई अंदर ही तो जाना है हमें, एंड आगे जाते हैं, अंदर पहुँच चुके हम लोग, भाई ओपी यार, अरे तो एलिवेटर है ना, यू हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम वेनिविल टाउन बट यू आर फाइनली हियर, आखिरकार तुम यहाँ हो, प्रोफेसर तुमसे मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते, तो जल्दी से एलिवेटर में जाओ। ओके यार एलिवेटर का नाम लिया और हम लोग को एलिवेटर से ही ऊपर जाना है, यार फ्री की लिफ्ट मिल गई। ओके तो इस फ्री की लिफ्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, एलिवेटर से हम लोग चलते हैं डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पे, बिकॉज यार थर्ड फ्लोर पे प्रोफेसर है, सेकेंड फ्लोर पे प्रोफेसर नहीं है। ओके तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। ओके देन तो यहाँ पे मैं नीचे नहीं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे प्रोफेसर सिकामोर कहाँ है वैसे, ओ ये रहे, हेलो सो वी फाइनली मीट, आखिरकार हम मिल ही गए, फैंटास्टिक तुम यहाँ पे हो, जल्दी से इस साइड आओ। ओके मैं इस साइड आता हूँ, एंड प्रोफेसर क्या चाहिए तुम्हें, मैनी थैंक्स फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम वेनिविल टाउन, आई एम प्रोफेसर सिकामोर, भाई हमें पता है कि तुम प्रोफेसर सिकामोर हो, फैंटास्टिक लेट मी हैव अ क्विक लुक एट योर पोकेडेक्स। ओके यार हमने 21 काइंड्स ऑफ पोकेमॉन्स को देखा है सेंट्रल कालोस में, ओहो द पेजेस आर गेटिंग फिल्ड, यार ये क्या लिखा है, ये कोई अलग सी लैंग्वेज में लिखा था कुछ। ओके तो यार यहाँ पे यार इन्होंने हमें पोकेडेक्स चेक करने के लिए बुलाया मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं यार ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि यार बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप सबके चार्मेंडर चूज़ करना, यार मुझे भी नहीं पता यार मुझे किसे चूज़ करना है, देखो अब क्या होता है, मैं किसको चूज़ करूँगा, हाई प्रोफेसर हाई सोना। ओके तो यार यहाँ पे सोना और सरीना भी आ चुकी है, योर ओपोनेंट शैल बी मी, हैं गाइस हमसे लड़ना चाहते हैं, ओ माय गॉड यार मुझे प्रोफेसर से लड़ना पड़ रहा है,
ओ यार देखते क्या होगा भाई, मुझे लगता है मैं हारने वाला हूँ, बहुत बुरी तरह हारूंगा वो भी। बट लेट सी गाइस क्या होता है। इनका पहला पोकेमोन है बल्बसोर। ओके देन मैं भेजूंगा फ्रॉगी डियर को। चा भाई एंड यहाँ पे वाटर पल्स करूँ क्या मैं इस पर? लेट मी ट्राई क्या होता है। ओके यार इफेक्टिव है, इफेक्टिव तो नहीं है यार पर फिर भी इफेक्ट हुआ उस पर एंड कन्फ्यूज हो गया बेचारा। तो यार मैं उस पर एक और वाटर पल्स करूँगा एंड देन बल्बसोर गया। वैसे यार कितने पोकेमोन्स थे इनके? तीन थे क्या भाई? मुझे ऐसा तो नहीं कि तीनों को हराना होगा? ओ माय गॉड यार सबसे टफ चीज़ हमें लुक को है। ओके तो यहाँ पे फ्लेचनी के लेवल 12 हो चुकी है एक्सपी शेयर के कारण। यार पिछले वीडियो में आप सबके कमेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प की और यार ऐसी और हिंट्स देते रहना मुझे। यार मुझे कमेंट पसंद आया तो मैं शाउट आउट भी दे दूंगा। वैसे यार अभी मैंने लिख किया इस पर बिकॉज मैं चाहता हूँ ये पैरालाइज हो जाए एंड वो पैरालाइज हो भी गया। यार मेरी ट्रिक काम कर गई एंड मैं अभी उस पर करने वाला हूँ क्विक अटैक बिकॉज यार मुझे पता है वाटर टाइप है तो यार वाटर पल्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ओके यार मुझसे भी टक्कर दी है, मुझे लगता है मुझे वाटर पल्स करके देख लेना चाहिए एक बार। आई थिंक हो सकता है मे बी क्विक अटैक से ज़्यादा पावरफुल हो। हाँ यार उससे ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा पावरफुल है पर यहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो चुका है वाटर पल्स से एंड अब वो हर्ट होगा एंड गया भाई गया वो। नाउ मुझे नहीं लगता कि अब एक और पोकेमोन, अरे यार एक और है। ओ हाँ मैं चार्मेंडर कैसे भूल सकता हूँ। ओके आ जाओ सर अभी आ जाओ, इस पर वाटर पल्स करूँगा मैं एंड एक बार में आई थिंक ये जाएगा भाई ख़त्म। ओके बाय बाय गया। ओके ओके मैंने उल्टा सीधा कुछ ही बोल दिया यार। यार मुझे लगता है प्रोफेसर तो बुरा मान गए यार हारने के बाद। वेल कोई नहीं यार, हारे तो मेरी क्या गलती, मुझे तो हराना था उनको। चलो यार ओके, योर इंटरेस्टिंग पोकेमॉन ट्रेनर। ओके यार हमें पता है यार पिक वन। ओके ओके यार अभी यार थोड़ा सीरियस होना होगा मुझे। चार्मेंडर स्क्वर्टल बल्बसोर किसको चुनूं मैं यार? यार मैं बहुत कन्फ्यूज हो गया यहाँ पे। फाइट टाइप पोकेमॉन चार्मेंडर को ही चूज करता हूँ मैं। ओके यार आ जा भाई अपनी टीम में। यार जब सबने कमेंट किया ना चार्मेंडर चूज करो तो मैंने सोचा यार मैं क्यों ना चूज करूँ। यार मैं सोचा था यार बल्बसोर चूज करूंगा पर यार आप सबके कमेंट्स ने मुझे कुछ और चूज करने को बोल दिया। तो यार जो आपने कहा यार मैंने भी वही किया। यार मेगा स्टोन भी दे दिया चार्जर्ड वाई का। वैसे यार मैं इसको यूज़ नहीं करूंगा चार्जर्ड वाई बिकॉज मैं कोई ना कोई ट्रिक से ना चार्जर्ड एक्स का स्टोन ले ही आऊँगा इस गेम में एंड देन यार मैं मेगा चार्जर्ड एक्स में ही करूँगा इसको। हाँ मुझे पता है थोड़ा मुश्किल होगा पर तुम देखते जाना गाइज मैं मेगा चार्जर्ड एक्स इसको बना के रहूँगा। व्हाट्स दिस, एवरीवन इज ऑलरेडी हियर। ओके हाँ यहाँ पे ऑलरेडी सब लोग हैं, तुम दोनों लेट हो यार एट द सेम टाइम। ओके ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क फॉर यू हेल्प। ओके यार इनको हेल्प चाहिए हमारी, कुछ मेगा बोल्यूशन है ना मेगा स्टोन इसके बारे में कुछ क्लूज चाहिए इनको। वेल इसलिए ना मुझे यहाँ पे दिया गया है मेगा स्टोन। ओके यार मेगा स्टोन दे दिया हमें इस कारण से एंड नाउ हम लोग को अभी पोकेडेक्स चेक कर रहे हैं यार सबका। ओके यार कर लो। तो यार कंफ्रियर टाउन में हम लोग को जाना है, वहाँ पे हम लोग मेगा एवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज है जिसके बारे में हमें पता लगाना है एंड देन हम लोग उसके बारे में बताएंगे इनको। और यार यही है इनकी हेल्प करनी है हमें। ओके यार वैसे यार मुझे एक चीज़ तुम लोग से पूछनी थी, तुम्हें पोकेमॉन वाई के एपिसोड्स कितने मिनट्स के चाहिए? यार मैं भी कंफ्यूज हूँ कितने मिनट्स की वीडियो बनाओ पोकेमॉन वाई की। तो यार प्लीज़ तुम बता देना कमेंट्स में कि मैक्सिमम अगर तुम्हें 20 मिनट की भी चाहिए फिर भी यार मैं 20 मिनट के भी डाल दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे लगता है यार तुम लोग एंड तक नहीं देखोगे यार इसलिए मैं 10 मिनट की ही बनाता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें आधे घंटे की चाहिए तो यार मैं वो भी डाल दूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है पर यार तुम वीडियो एंड तक देखो। ओके तो यार अब मैं इनसे एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। आई थिंक अभी हम लोग को नीचे जाना चाहिए। फर्स्ट एक्सेप्ट वेज। ओके चलो भाई हम लोग को कंफ्रियर टाउन भी जाना है अभी। मैं पहले चेक करूँगा यहाँ पे कोई जिम है क्या। आई थिंक आज के एपिसोड में तो नहीं चेक कर पाएंगे। विच फ्लोर वुड यू लाइक टू गो टू? ओके हम लोग को फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। ओके यार मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे कौन है? ओह ये कौन है? ओ भाई इसको मैंने एनिम में देखा था यार, ये एक बुरी टीम है ना? यार मुझे नहीं पता यार बुरी टीम है यार अच्छी टीम है, पर यार मुझे इतना पता है कि ये भी टीम रॉकेट की तरह ही है, इसकी भी एक टीम है यार, मुझे याद नहीं आ रहा इसकी टीम का नाम क्या था। पर यार यहाँ पे तो ये अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, जैसे कि तुम देख सकते हो ब्राइटर फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है और यार इसने हमारा होलोकास्टर भी देख लिया है। ओके यार इसकी नज़र तो हम पे ही है। यार ये तो अच्छी बातें कर रहा है, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल दुनिया बनाना चाहता है। मतलब यार ये अच्छी दुनिया नहीं लग रही क्या इसको? मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है।
गाइस वो अच्छा इंसान है या बुरा ये नीचे कमेंट्स बता देना, क्योंकि मुझे उसकी आदतें ठीक नहीं लग रहे हैं। वेल बाय द वे यहाँ पे ये सब आ चुके हैं, तो आई थिंक ये लोग अपने एडवेंचर पर जाने वाले हैं एंड मुझे भी जाना चाहिए। तो यार आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। बाय द वे यार मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।